आपकी सरकार बनती है तो आजम खान का क्या होगा? का जो गठबंधन है जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ न्याय होगा। आपने बहस तोड़ने की आपको महंगाई पे जो बहस करना चाहे कर सकता है, बेरोजगारी पे जो बहस करना चाहे कह सकता है, कोई सोच सकता है कि इलाहाबाद में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है? और केवल इलाहाबाद में नहीं या प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में जब भी नौजवान अपना रोजगार और नौकरी के सवाल पर आया उसे अपमानित कर करके भेजा। क्या प्रयागराज में जिस तरीके से बटों से मारा गया, उनके हॉस्टलों में पुलिस घुस गई, न जाने कितने हजार लोगों पे अज्ञात में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये कोई सरकार है? जो सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे पा रही, वो नौजवानों को अपमानित कर रही। आगरा में पहली बार अलग अलग विधानसभा के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, तो आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं कर रही है? पहली बार हो रहा है ऐसा, पहले मंडी समिति में नौकरी होती थी, अब अलग अलग बार हो रही है। अगर अलग अलग भी हो रही है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग ने ये जो प्रोटोकॉल के तहत कि एक जगह ज्यादा लोग ना जाए बीमारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये तो ये नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। क्या उत्तर उसमें नेताजी, कितनी वोटों से यहाँ से? ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी, और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। आप बताइए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, किस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री देखो टैबलेट देकर के सो रहे हैं। अरे जिन्हें लैपटॉप देना था स्मार्टफोन बांट नहीं पाए, और 4.5 साल टैबलेट देते हैं मुख्यमंत्री जी, टैबलेट चलाते हैं। और फिर बिजली को लेकर के, ये जितनी भी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है लोगों को, ये समाजवादियों की पुरानी सरकारों की इन बाबा मुख्यमंत्री ने अभी कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाना तो दूर, बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट, वो क्या बिजली देगा? आपकी सरकार 300 यूनिट फ्री देते ही